सम्मानित मंच पर परम सम्मान्य और प्रातः स्मरणीय मेरे गुरुजी बलदेव दास जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे संत श्री बैठे हैं मानदास जी, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए एक बार उपस्थित यहाँ पर सभी बुजुर्गों को धोख देते हुए नौजवानों का अभिनंदन करते हुए और मातृशक्ति का वंदन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। आप लोगों ने इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम आज आयोजन किया है। निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से कई मजबूरियां होती हैं। आज झुंझुनू में मैं प्रभारी हूँ, झुंझुनू में उपचुनाव चल रहा है, वहां पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह की राठौड़ वहां पर उपस्थित है। फिर भी मुझे कोटपुतली में जब आमंत्रण मिलता है तो पता नहीं एक अजीब सा आकर्षण होता है। आपके आमंत्रण को निमंत्रण को मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता और आज आपके बीच में खेल की मुक्कड़ में मुझे दूसरी या तीसरी बार आने का मौका मिला है। मैं सम्मान करता हूं मेरे सभी जो सम्मानीय नेतागण बैठे हैं, आपके कोटपुतली के सम्मानीय विधायक हंसराज जी जो हम दोनों साथ बैठते हैं, उनका मान और सम्मान करता हूं। मान और सम्मान करता हूं पूर्व विधायक रामचंद्र जी का और मान और सम्मान करते हूं मेरे छोटे भाई रामस्वरूप जी का और मैं आशीर्वाद के रूप में मेरे छोटे भाई इंद्राज जी का भी अभिनंदन करता हूं। मंच पर वैसे तो कई शख्सियत बैठी हैं, मुझसे बुद्धिजीवी भी और प्रबुद्ध वक्ता भी बैठे हैं। जैसा इतना शानदार भाषण इंद्राज जी ने दिया, इतना जानदार भाषण रामस्वरूप जी ने दिया, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आपके बीच में आता जाता रहता हूँ। जब भी बुलाया, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कोई और सामाजिक मुद्दा हो, आपके बीच में आना जाना पड़ता है। मैं इस मौके पर साधुवाद देना चाहता हूँ उस परिवार को जिसने इतने लोगों का मिलन किया है, जो स्नेह मिलन और स्नेह बोध आपने किया है। राम रतन जी पटेल साहब, जो आपके पिताजी की याद को चिरस्थायी किया और अपनी माता श्री की फोटो भी मूर्ति भी लगा के उन्होंने यहाँ पर इतने लोगों का मिलन किया। निश्चित रूप से मुक्कड़ परिवार और ग्यारशिलाल जी का पूरा परिवार बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद का पात्र है कि आप लोगों ने इतनी जात गंगा को और प्रेमी जो सौजन है आपके, उनको आप लोगों ने बुलाया। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इतने लोग जब उपस्थित होते हैं तो मैं समझता हूँ जब समाज में जागृति की बात होती है तो राजनीति की बात करना भी बुद्धिजीवियों के लिए स्वाभाविक है, राजनीति की बात भी करनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा था अभी कि आप लोगों ने जब यहाँ पे हमारे विकास जी जांगन ने यह कहा कि अब संबोधन का कार्यक्रम शुरू होगा, यानी नेताओं का भाषण शुरू होगा, तो मैं हर तरफ चारों तरफ चौकन्ना होकर मंच पे पूरी नजर रखता हूँ और सामने भी पूरी नजर रखता हूँ। कम से कम 50 आदमी उठ के चले गए और पीछे हाथ हिलाते हुए थे, बोले अब नेता की बारी आगी, ग्राहनी वागनी तो बंद होगी, चलो अपना। लेकिन अच्छी बात नहीं है, राजनीतिक लोग आपके भले के लिए कहते हैं, हो सकता है आपके सहयोग, आपके अनुग्रह और आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग जब राजस्थान की विधानसभा में आप चुन के भेजते हो या लोकसभा में चुन के भेज देते हो, जितना जिनकी जबान में दम होता है, जितना जिनकी कार्य प्रणाली होती है, जिसमें जितनी ऊर्जा होती है, निश्चित रूप से वो आपके लिए काम करता है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, आप लोग सुने, निश्चित रूप से अमल करें। और आपने जो ये कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं उपस्थिति के बारे में भी कहूं और मैं तो इतना भी कह सकता हूं, यहाँ पर बड़े बड़े नेता भी आने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो मैं उनका दुर्भाग्य समझता हूं कि इतने शानदार कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए किसी कारणवश। हम लोग आपके बीच में आए और आपने भरपूर स्नेह भी दिया है और आप लोगों ने ये बातें सुनकर माताएं बहने इतनी संख्या में बैठी, और जिस समाज में माताएं बहने जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, मैं समझता हूँ समाज का उद्धार होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों पहिए बराबर चलते हैं तो गाड़ी सही स्टेशन पर पहुंचती है और अपनी मंजिल पर पहुंचती है। हम लोगों ने बहुत सालों से और बहुत समय से दमन किया है, महिलाओं का घूंघट की प्रथा प्रथा में रखा है, चाकी चूल्हे तक समेट के रखा है, इसलिए हमारा आधा विकास हुआ। आधा विकास हुआ मैं नहीं कहता कि आप खुला छोड़ दीजिए, लेकिन जब महिलाओं में जो ऊर्जा होती है, हमारी बेटियों में जो ऊर्जा होती है, उसका अगर सही मूल्यांकन करें और उसको उचित समय और उचित स्थान दें और उचित व्यवस्था दें, तो मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे बेटे से हमारी बेटियां बहुत आगे निकल सकती है, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा और बेटी तरक्की करे,
इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ, एक आप लोग मुझे फिर कहता हूँ मैं कोई बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी तो नहीं हूँ। माँ बाप की तरह, माँ बाप हर बेटे बेटे की तरक्की चाहता है, माँ हमेशा अपने बेटे को अपनी गोद में लेती है, तो उसकी सोच ये रहती है कि जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक मेरा बेटा देखे। लेकिन बाप हमेशा बेटे को कंधे पे बिठाता है, क्योंकि बाप की सोच रहती है कि जहां तक मैं नहीं देख सका मेरा बेटा वहां तक देखे और मेरा बेटा वहां तक तरक्की करे, ऐसी बाप की सोच होती है। और जिस बाप को आप चिरस्थाई याददाश्त दी है आप लोगों ने राम रतन जी, निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, जो हर मन से कहता हूँ, समय की पाबंदी हो सकती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जो मैं निवेदन करता हूँ, हमेशा कई लोगों को बुरा भी लगता है, ये देश ये समाज कोई घर कभी नहीं डूबता है। समाज और देश अगर कोई डूबता है तो संस्कार विहीन पीढ़ियों की वजह से डूबता है। जिस देश कोई समाज कोई परिवार को कोई डुबो नहीं सकता, अगर कोई डुबो है तो संस्कार विहीन पीढ़ियां डुबोएंगी। मैं कहता हूँ बड़ी बड़ी नौकरियां चाहे ना मिले, अरबपति और करोड़पति चाहे मत बनना, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को संस्कार जरूर देना, क्योंकि संस्कार विहीन पीढ़ियां देश को भी ले डूबती है, समाज को भी ले डूबती है और परिवार को भी ले डूबती है। आज बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ता है, हमारे समाज को कुछ लोग अपराधी घोषित करने का षड्यंत्र करते हैं और कुछ लोगों की दिशा और दशा भी भ्रमित हो चुकी है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपराधी समाज कोई होता नहीं है, समाज में कुछ लोग होते हैं और उससे पूरा समाज ब्लेम में आ जाता है, पूरा समाज दोषपूर्ण हो जाता है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जिसकी दिशा और दशा भटक चुकी है, आप लोग अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने समाज का नाम रोशन करें, अपने गुरु का नाम रोशन करें और अपनी माता का नाम रोशन करें। ऐसा रास्ता अपनाएं, चाहे कम कमा लेना, चाहे कम खा लेना, चाहे अच्छे कपड़े मत पहनना, लेकिन कोई हक नहीं अपने माँ और बाप का दिल दुखाने का। क्योंकि जिस दिन लड़का अपराध करके सराकू के बीच में होता है और उसकी माँ उसको देखने के लिए आती है, तब उसकी कोख को उसको तरस आती है कि जिस कोख में मैंने 9 महीने जिस बेटे को रखा था और जो पैदा हुआ उस दिन थालियां बजा के पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटा था कि मेरे घर में एक मर्द पैदा हुआ था, आज वो सलाखों के पीछे है, वो समाज और वो घर बड़ा दुखी होता है। इसलिए अपराध का रास्ता जो भी मेरे समाज में नौजवान बंधु अख्तियार करते हैं, उनसे मैं हमेशा चेतवाना चाहता हूँ कि वो वीर समाज है। जब देश पर, समाज पर और प्रदेश पर जब जब कोई आपत आई है, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने में हो, चाहे मुगलों के जमाने में हो, ये वीर समाज के वीर पुत्रों ने अपनी छातियों के बटन खोल दिए थे कि जितनी तवों में बंदूक में बारूद है, जितनी गोलियां हमारे सीने में डाल दो, लेकिन भारत पे कभी आंच नहीं आने देंगे। ऐसा वीर समाज मेरे सामने बैठा है और इस समाज को कोई अपराधी कहे तो हमारे दिल में जो आग लगती है, मैं समझता हूँ उस आग का कोई मायने नहीं होता, उस आग का कोई शानी नहीं होता है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ और निवेदन मेरा यही था, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं कहना चाहता था, आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया है तो मैं हमेशा समाज को जगाने की कोशिश करता हूँ। राजनीति में संघर्ष लंबा भी हो जाता है, कभी लंबा भी हो जाता है, कभी तुरंत भी आदमी की गाड़ी राजनीतिक पटरी पे चढ़ जाती है, लेकिन उन चीजों से हमें कोई सरोकार नहीं है। हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो हम समाज को क्या दे रहे हैं, हमारे समाज को दे क्या रहे हैं, हमारे गांव को क्या दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र को क्या दे रहे हैं। ऐसी परंपराएं जब तक विकसित नहीं होंगी, आपको नेता बनाने से, बड़े बड़े नेता बनने से कोई समाज का उद्धार नहीं होता है। समाज जब आगे चल के सही लाइन पे चलेगा तो निश्चित रूप से समाज का उद्धार होगा। और आप तो खाते पीते क्षेत्र के हो, आपके यहाँ पानी है, अच्छी फसल होती है। मैं तो इंदिरा जी से बात कर रहा था कि आप लोगों में इतना बड़ा आयोजन आपके इधर होता है, मैं सभी कार्यक्रम में होता हूँ, 15,000 लोगों का खाना होता है, बड़ा स्टेज होता है, गाने वाले होते हैं और कई लाखों का खर्चा होता है, उनकी कमाई का साधन क्या होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, कमाई के जो साधन है उनको सीमित नहीं करें, कमाई के साधन को बढ़ाएं, अपना व्यवसाय करें, बेटे और बेटी को पढ़ाएं और अच्छी नौकरी और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो जिन समाजों से हमारा गैप है वो समाजों का गैप हमारा भर पाएगा। क्योंकि आज भी ये मत समझना 5% आरक्षण से हम दूसरे समाजों के बराबर आके खड़े हो गए, अभी भी 50 साल का गैप है
और इस मौके पर माई के लाल उस कर्नल क्योरी को मैं भूलना नहीं चाहता जिसने इस जात गंगा का उद्धार करके हमें लड़ाई लड़के और रेल की पटरियों पे हमें से लड़ाई हम लोगों के लिए लड़ाई लड़के 5% का आरक्षण दिया। मैं नेताओं को धन्यवाद देना नहीं चाहता, किसी का योगदान नहीं है, उस मातृ हिंद के लाल करोड़ी लाल ने कर्नल करोड़ी ने ये करिश्मा करके दिखाया था। उसके साक्षी हम भी बने थे, जब राजस्थान में कोई भी आंदोलन होता था हम भी वहां पर उपस्थित होकर कर्नल साहब का साथ देते थे। उस महान विभूति को भी मैं याद करना चाहता हूँ कि समाज को इतना योगदान दिया है। पुनः आपके बीच में आके बहुत अच्छा लगा है, मान और सम्मान के लिए तो धन्यवाद है सबको। पुनः एक बार श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आप लोगों ने मान और सम्मान किया इसके लिए पुनः एक बार सबको राम राम करते हुए अपना कथन समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।